आप सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ब्रिलियंट एकेडमी यूनिक एजुकेशन में। दोस्तों, हम चैप्टर पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका जो फर्स्ट पार्ट था नाउन वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट जिसका नाम है द वर्ब, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं और मेरा पर्सनल इसमें ये रिफ्लेक्शन है कि इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट अंग्रेजी में कोई टॉपिक नहीं है। वर्ब से इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से अंग्रेजी में कुछ भी नहीं हो सकता। अंग्रेजी लैंग्वेज के कई विद्वान वर्ब को हार्ट ऑफ इंग्लिश कहते हैं, मतलब अंग्रेजी का हृदय मानते हैं इसको। तो अगर ऐसा कहा गया है तो लिटरली अगर इसको अपन माने तो इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविकता में बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक को, वर्ब को डिटेल में स्टडी करेंगे। और ये मेरा दावा है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आज अगर ये वीडियो, अगर आपने ये जो टॉपिक है ये आपने ईमानदारी से मन लगा के देख लिया, पढ़ लिया, तो आपको कभी भी कुछ भी एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी वर्ब के बारे में। यू विल गेट दैट मच नॉलेज। तो आइए अब हम शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग से, बिल्कुल आसानी से समझते हुए इस टॉपिक द वर्ब को। एक बार इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है, आप इसके बारे में एकदम अवेयर हो। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, तो हम बात कर रहे हैं क्रिया की। क्रिया से जो चीज समझ में आती है अपने, वो आती है कुछ करना, कुछ होना, ठीक है। इसके की पॉइंट्स की बात करते हैं। पहला की पॉइंट है व्हाट इज अ वर्ब, जो कि हमारे लिए हर जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं सबसे पहले यही बताता हूं उस टॉपिक के बारे में, वो है क्या चीज, ठीक है। तो इसमें भी अपन सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज अ वर्ब, वर्ब क्या होती है। सेकंड पॉइंट अपना जो रहेगा द रोल ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस, एक वाक्य के अंदर वर्ब का क्या रोल होता है, एक वाक्य के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर वर्ब की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हम उसके बारे में जानेंगे। तीसरा जो अपना पॉइंट है, तीसरा जो सेगमेंट है, वो है क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मतलब क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। और ऐसा मान के चलो कि ये तीन जो पॉइंट है, एक दो और चार नंबर पॉइंट, इनका जो इस पूरे टॉपिक में है इसको 25% है, बाकी 75% इसको इस तीन नंबर पॉइंट का है। तो कहने का मतलब जब हम वर्ब का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो हम जब अपना मेजर टाइम है, जो अपने लिए मेजर इंपॉर्टेंस का पॉइंट है वो यही है। नंबर चार जो अपना पॉइंट रहेगा वो ये है यूज ऑफ वर्ब्स इन डिफरेंट मीनर्स, माइनर पॉइंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला नहीं है, फिर भी हम पढ़ेंगे कि अलग अलग तरीके से कैसे वर्ब को या वर्ब्स को यूज किया जाता है। तो हम एकदम फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं, व्हाट इज अ वर्ब, कहां से आया है ये वर्ड, क्या होती है वर्ब, ये हम सीख रहे हैं। वर्ब जो वर्ड है ये लिया गया है वर्बम से। वर्बम जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जो लैटिन भाषा है उसका ये वर्ड है वर्बम। इसका मतलब क्या होता है, एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग। वर्बम जो वर्ड है उसका मतलब है एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कोई भी कार्य, कोई भी हलचल, कुछ भी जो किया गया है, दैट इज कॉल्ड एक्शन। और या दूसरी स्थिति स्टेट ऑफ बीइंग, कुछ होना। आपने अपने पुरानी जो क्लासेज है उसके अंदर भी ये पढ़ा होगा कि क्रिया वो क्या होती है भाई, क्रिया से क्या मतलब है, क्रिया से कुछ करना या कुछ होना पाया जाता है। ये अपन ने पढ़ा है कि ऐसे शब्द जिनसे कुछ करना या होना पाया जाता है
उसको आप वर्ब बोलते हो, मगर आप मतलब आप कुछ कर रहे हो तो वो वर्ब है, अगर कुछ हो रहा है तो वो वर्ब है। सेम टू सेम जैसा इस वर्बम का मतलब है उसी सेंस में हम वर्ब को समझते हैं। वर्बम का मतलब एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग, मैं वर्ब को भी यही मानता हूं, एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग। तो मैं लिख देता हूं, ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग और एनी अक्रेंस। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो अपने को क्या शो करता है, क्या दर्शाता है, कोई काम हो रहा है या कोई काम की कोई स्थिति आ गई है, रनिंग में नहीं है, एक्शन नहीं है, स्टेट ऑफ एक्शन है, स्टेट ऑफ बीइंग है, काम रुका हुआ है, कोई स्थिति है वहां पे, कंडीशन है कोई, एनी अक्रेंस कुछ हो गया हो। देखो इसको ज्यादा डीपली जाने से पहले मैं परिभाषा को यहां समझा देता हूं। जैसे देखो हंसना, गाना, खाना, पीना, चलना, ये सब एक्शन है, ये सब एक्शन है। सोचना, अनुमान लगाना, पसंद करना, निश्चय करना, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ये स्थितियां हैं, फेजेस है ये। और एनी अक्रेंस, अक्रेंस का मतलब होता है जिसमें कुछ किया नहीं जाता बल्कि कुछ घटित होता है। जैसे आपने देखा होगा बारिश होना, अब बारिश कौन करवा रहा है इससे कुछ भी कंफर्म नहीं है। जब अपने को ये पता नहीं है कि कोई एक्शन कौन कर रहा है तो अपन उसको एक्शन मानना ही नहीं चाहिए अपने को, उसके बजाय उसको हैपनिंग मानना चाहिए, अक्रेंस मानना चाहिए। जैसा कि बारिश वाले केस में है, आंधी आ रही है, ये एक्शन नहीं है, ये अक्रेंस है। लेकिन ये सारे जो वर्ड्स हैं ये काउंट किए जाते हैं वर्ब के अंदर। तो वर्ब के लिए मैंने तीन पार्ट बना दिए हैं, एक तो एक्शन हो गया या फिर कोई स्टेट ऑफ बीइंग हो गई या फिर कोई अक्रेंस हो गई, ये तीन चीजें आ जाती है और उनको बोलते हैं क्रिया। एक छोटी सी बात कर लेते हैं अपन, सेंटेंस वाक्य की बात करते हैं। अपन ने पढ़ा था, देखो अगर किसी को पूछा जाए कि वाक्य कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, अलग अलग मत है किस किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है। एक थ्योरी ये है कि वाक्य में सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। दूसरी थ्योरी ऐसे चलती है कि वाक्य में नाउन होती है, प्रोनाउन होती है, एडवर्ब होती है, प्रीपोजिशन होती है, इनसे मिलकर सेंटेंस फ्रेम होता है, इनसे सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है। एक और थ्योरी है कि सेंटेंस को दो पार्ट्स में अपन बांट सकते हैं, कोई भी वाक्य है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ हो सकता है। एक तो उसमें एक्शन आती हो और दूसरी उसमें नॉन एक्शन आती हो, दो चीजें। सेंटेंस लिखा, रोहित क्रिकेट खेल रहा है। अब इस सेंटेंस में पांच पार्ट कर देते हैं या तीन पार्ट कर देते हैं, ये खेल रहा है इसको अलग कर देते हैं रोहित और क्रिकेट को। रोहित खुद कोई एक्शन नहीं है, ये नॉन एक्शन में आ गया। क्रिकेट एक्शन नहीं है, नॉन एक्शन में आ गया। खेल रहा है ये एक एक्शन है, ये एक कार्य है, इससे क्रिया का पता चल रहा है अपने को। तो हुआ ना सेंटेंस दो चीजों से बन गया आपकी बात, ये दोनों नॉन एक्शन में आ गए, नो एक्शन में आ गए, ये एक्शन में आ गया।
ये एक बाइफरकेशन है जो अपने को बताता है कि जो वर्ब होती है वो अकेली ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है, ये वर्ब अकेली ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है एक सेंटेंस का, ये अपने को समझना होता है। एक वर्ब की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, हार्ट ऑफ द सेंटेंस कहा जा सकता है इसको, सेंटेंस का दिल है ये, वाक्य का दिल है ये। अब सेंटेंस का क्यों, मैं तो कहूं कि ये अंग्रेजी का ही दिल है, अंग्रेजी का ही हर्ट है, इसके बिना आप इंग्लिश की कल्पना नहीं कर सकते। हर जो आप सेंटेंस बोलोगे, मतलब एक्शन के बिना कोई सेंटेंस नहीं हो सकता, कम से कम ऐसा सेंटेंस तो नहीं हो सकता जो आपको मैसेज दे पाए, कुछ कन्वे कर पाए आपको, तो ये समझना जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है वर्ब। पहला फेज अपना हो जाता है कि वर्ब किसको कहते हैं, मैं वापस बता देता हूं। तीन चीजें आ जाती है इसमें, इसमें तीन चीजें हैं कि एक तो ये एक्शन को शो करेगा, एक स्टेट ऑफ एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग शो करेगा, और तीसरी चीज ये अकरेंस को शो करेगा, कुछ घटित होने को शो करेगा। ठीक है, हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है कि रोल ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में वर्ब का क्या रोल होता है। करीब करीब पहले पॉइंट के साथ ही मैंने बता दिया कि वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, हर्ट ऑफ द सेंटेंस है। वर्ब क्या है, हर्ट ऑफ द सेंटेंस है, वाक्य का दिल है। अब दिल कह दिया तो फिर इंपोर्टेंस की बात नहीं आती, रोल की बात नहीं आती कि ये कितने इंपोर्टेंट है, मतलब बहुत इंपोर्टेंट है। एक चीज और याद रखिएगा, कोई भी जो मीनिंगफुल सेंटेंस है, कोई भी मैसेज कन्वेइंग जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं आ सकता। लेकिन एक वर्ब होती है वो खुद एक सेंटेंस का काम कर सकती है। एक वर्ब अकेली है जो पूरे सेंटेंस का मैसेज दे सकती है। वर्ब के बिना सेंटेंस की कल्पना नहीं की जा सकती, एटलीस्ट मीनिंगफुल तो उसको नहीं कहा जा सकता। अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये सेंटेंस लिखा, सीमा वॉज देयर ऑकेजनली, कभी कभी, समटाइम्स, समटाइम्स लिख देता हूं। कभी कभी सीमा वहां जाती है। अब आपको इस सेंटेंस से पता चलेगा कि देखो वर्ब कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस गोज वर्ड को स्किप कर दूं, इसको हाइड कर दूं, तो सीमा देयर समटाइम्स मीनिंगफुल नहीं है। सीमा वहां कभी कभी, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा इसका। ठीक है, लेकिन अगर इसको केवल किसी को इतना ही कहा जाए, गो, जाओ, तो ये जो गो वर्ड है ये अपने आप में एक सेंटेंस का काम कर लेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये समझाना चाहता हूं कि रियल में ही जो लिटरली अगर कहा जाए तो वर्ब से इंपॉर्टेंस ज्यादा अंग्रेजी में किसी भी चीज की नहीं होती, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की नहीं है। इट्स द हर्ट ऑफ दिस लैंग्वेज, इट्स द हर्ट ऑफ ए सेंटेंस। विदाउट वर्ब वी कैनॉट इवन इमेजिन अबाउट द सेंटेंस। वर्ब के बिना हम सेंटेंस की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, मीनिंगफुल सेंटेंस तो कभी नहीं बन सकता। तो यहां ये समझ लें अपन, वर्ब काफी इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका क्लासिफिकेशन, जो कि हमारा फेज नंबर 3 है, जिसको अभी हम स्टार्ट करते हैं, पॉइंट नंबर 3 को। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स या टाइप्स ऑफ वर्ब्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स में टाइप्स ऑफ वर्ब्स का मतलब हुआ कि हम वर्ब को कितने वेज में बांट सकते हैं, कितने तरीके से बांट सकते हैं, कितने प्रकार से इसकी स्टडी की जा सकती है। देखो बहुत सारे प्रकार हैं, मैं कुछ एक आपको प्रकार बता देता हूं। वैसे मैं सारे बताऊंगा लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूं क्लासिफिकेशन कैसे। वर्ब को ऑब्जेक्ट की उपस्थिति के आधार पर बांटा जा सकता है, वर्ब को उसके फंक्शंस के आधार पर बांटा जा सकता है, वर्ब को वेरिएबिलिटी के आधार पर बांटा जा सकता है। यह होता है क्लासिफिकेशन। अलग अलग प्रकार से जैसे अपन वर्ब को बांट सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। और हम ये जो मैंने बताया अभी आपको, ये जो क्लासिफिकेशन बताया, ये एक एक क्लासिफिकेशन अपन लेते हुए उसके अंदर जो वर्ब्स आती है उसको अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले तरीके से जो क्लासिफाई किया हुआ है वो है सबसे पहले प्रकार से जिस प्रकार से बांटा जा सकता है वर्ब को, वो है टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो टेंस क्या होते हैं ये अपन जानते हैं, गरीब गरीब सब लोगों को पता होता है कि टेंस क्या होते हैं। 12 टेंस अपन अंग्रेजी में पढ़े हैं। उन टेंस का पर्पज अपन अगर अपने स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो अपने स्कूलिंग के दौरान अपन ने पढ़ा है वो ये है कि अपन टेंस क्यों पढ़ते थे। हम टेंस पढ़ते थे केवल सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना सीखने के लिए, और ये जो सीखने के लिए इन टेंसेज के साथ में जो आपको वर्ब के प्रकार बताए जाते थे वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। इस हिसाब से सबसे पहले आता है बेस फॉर्म या रूट फॉर्म। सबसे बेसिक वर्ब कौन सी होती है, ठीक है, सबसे बेसिक वर्ब जो है अपन मानते हैं वो है बी फर्स्ट। बी फर्स्ट का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कहने का मतलब अपनी जो इंग्लिश है उस इंग्लिश में वर्ब जो है सबसे पहले जिस रूप में आई है वो बेस फॉर्म होता है, उसके बाद में उस वर्ब को मॉडिफाई किया जाता है इसके फर्दर फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए, इसके आगे के फॉर्म्स बनाने के लिए अपन उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। ये सबसे पहले वर्ड आता है, जैसे फ्लाई, फ्लाई एंड उड़ना, फ्लू, फ्लॉम, तीन वर्ड लिखे हैं मैंने। जब ये मैं कहूं कि इन तीन वर्ड्स में से सबसे पहले कौन सा वर्ड आया तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्लाई था। अंग्रेजी में सबसे पहले अगर ये वर्ड आया है इस तरह का तो वो फ्लाई आया है, ठीक है। फिर फ्लाई को मॉडिफाई करके फ्लू बना, फ्लॉम बना, तो ये जो फ्लाई वर्ड है ये बेस फॉर्म है, रूट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। आगे चलते हैं, इसमें जो सेकेंड आती है वो आती है पास्ट फॉर्म। वी सेकेंड मतलब सेकेंड
form of the verb, क्रिया की second form, ये होगी past form, इसको past form कहते हैं। तीसरी जो फॉर्म है वो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सिंपल भाषा में मैं कहूं तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नंबर चार पे चलें, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ये बेस्ट फॉर्म है, यूं लिख दूं मैं इसको, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, तो बन जाता है कौन सा फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाता है। और वैसे कहना सही नहीं है, मैं लिख नहीं रहा हूं, पर इसको कुछ लोग फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। एक्चुअल में फोर्थ फॉर्म जैसा कुछ नहीं होता, वो बेस फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, मॉडिफिकेशन ही होता है, नथिंग एल्स। इन्फिनिटिव टू प्लस वी फर्स्ट, ये भी अपन टेंस में पढ़ते हैं, वर्ब का एक रूप है। और बेस फॉर्म प्लस एस या ईएस, छह रूप लिखे हैं मैंने। और जब अंग्रेजी पढ़ाते हैं कई टीचर लोग ये भी बताते हैं कि अंग्रेजी में छह प्रकार की क्रियाएं होती है, जो वर्ब होती है उसके छह रूप होते हैं। मैंने भी आपको छह रूप बताए, बाकी मैं कभी नहीं कहता, ऐसा कभी नहीं कहता कि अगर मेरे से कोई पूछ ले कि वर्ब कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, तो मैं ये कह दूं कि वर्ब है वो छह प्रकार की होती है, ऐसा मैं कभी नहीं कहता। आप लोगों को भी नहीं बोलना है, अपन यही मानते हैं कि बेसिकली मेन रूप से चार फॉर्म होते हैं, बेस फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। ये बाकी तो बहुत रेयरली यूज की जाती है इंग्लिश के अंदर, ये हमें भी याद रखना है, ये चार फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लासिफिकेशन है इसका, ये वर्ब का क्लासिफिकेशन है, किस बेस पे, टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करने के हिसाब से सोचें, तो ये इतने प्रकार की वर्ब्स हो सकती है। नेक्स्ट जो चीज अपने सामने आती है, जो सेकंड क्लासिफिकेशन अपने सामने आता है वर्ब का, On the basis of the functions, on the basis of the functions, function है जो उसका काम है verb का, उस आधार पे अगर verb को बांटा जाए, अगर उस प्रकार से उसको differentiate किया जाए, तो verb कितने प्रकार की होती है, एक simple diagram समझाता हूँ, बहुत ही helpful diagram है ये, काफी कुछ मददगार होगा आपके लिए ये verb को समझने में, और ये सबसे important verb होती है। बाकी वर्ब तो क्या है, स्पेसिफिकली यूज करने लायक होती है। ये जो यहां मैं बताने जा रहा हूं, इससे अपने टेंसेस भी आ जाते हैं, सारी ग्रामर भी कवर होती है इससे, और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में तो बहुत काम आती है। बाकी भी कई ग्रामर के जो टॉपिक हैं, वो भी इनसे रिलेट करते हैं, जैसे वॉइसेस हैं, नरेशंस हैं, क्लॉजेस हैं, वो भी इस पर डिपेंड ही करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं अपन। फंक्शन के आधार पर वर्ब कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं वर्ब। वर्ब को दो पार्ट्स में बांट देता हूं, ऑक्सिलरी लेग।
लेक्सिकल। दो पार्ट्स में बांट देता हूं वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। घबराने की जरूरत नहीं, ये कोई ज्यादा भयानक चीज नहीं है, आपने छोटी क्लासेस में इसको पढ़ा है, इसको तो पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब और इसको पढ़ा है मेन वर्ब। ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं इसको और आगे क्लासिफाई करते हैं अपन। तो ऑक्सिलरी जो वर्ब है उसको मैं दो पार्ट्स में बांट देता हूं, कौन कौन सी, प्राइमरी, दूसरा मॉडल्स। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब ही होती है। हम मॉडल्स को अक्सर वर्ब से अलग पढ़ते हैं, एज ए डिफरेंट टॉपिक अगर अपन पढ़ें, लेकिन वर्ब के अंदर ही मॉडल को भी काउंट किया जाता है, क्योंकि वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है, और मेन वर्ब में दो प्रकार की वर्ब होती है, एक प्राइमरी एक मॉडल। फर्क क्या है दोनों के अंदर, प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब है, देखो मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही बताऊंगा केवल आपको, प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें एक पॉइंट जो जरूरी पॉइंट वो ये आता है कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है उनको मेन वर्ब के रूप में भी काम में लिया जा सकता है, लेकिन जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है इनको मेन वर्ब के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, ये अपने को यहां पे समझना है। लेक्सिकल जो वर्ब है, लेक्सिकल जो वर्ब है उसमें मेनली आता है एक्शन, उसमें मेनली आता है एक्शन। एक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं, फिजिकल एक्शन, दूसरा मेंटल एक्शन। शारीरिक, मानसिक, ठीक है, इनके एग्जांपल्स देखते हैं। मैं वापस समझा देता हूं, अगर वाक्य में किए गए काम के हिसाब से वर्ब को बांट दिया जाए तो वर्ब दो प्रकार की हो जाती है, एक ऑक्सिलरी हो जाती है एक लेक्सिकल हो जाती है। ऑक्सिलरी को अपन हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ते थे क्लासेस के अंदर, और जो लेक्सिकल है उसको मेन वर्ब के रूप में पढ़ते थे। हेल्पिंग वर्ब है उसकी दो कैटेगरी है, एक वो हेल्पिंग वर्ब जो प्राइमरीली यूज की जाती है, एक वो जो सेकेंडरी तौर पे यूज की जाती है। सेकेंडरी तौर पे जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज की जाती है वो हेल्पिंग वर्ब्स असल में मॉडल्स होती है, और जो उधर प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो असल में तो लेक्सिकल वर्ब ही होती है। उनको अगर अपन चाहे तो एक्शन के रूप में भी, मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती है। ऐसे कौन कौन से वर्ड है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपन। प्राइमरी जो ऑक्सिलरीज हैं उनमें टू बी क्रिया के रूप आते हैं, टू डू क्रिया के रूप आते हैं, टू हैव के आते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको एक एक करके असल में याद भी आ जाएगा आसानी से। आपने इज पढ़ा है, आर पढ़ा है,
एम पढ़ा है, वॉज पढ़ा है, वर्ब पढ़ा है। ये हेल्पिंग वर्ब से तो होती थी, पर ये रूप किसका है? टू बी का रूप है। टू बी में इजार इन प्रेजेंट फॉर्म से, और जो वॉज वर्ब है वो पास्ट फॉर्म से। टू डू की बात करें, डू डस डिड, डू डस प्रेजेंट फॉर्म से, डिड पास्ट फॉर्म है। हैव में हैव, हैज, हैड, ये भी तीन हो गए। हैव और हैज ये प्रेजेंट फॉर्म है, हैड इसमें पास्ट फॉर्म है। ये हो गई प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अगर आपसे पूछ लिया जाए हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, तो हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी में ये आते हैं इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड और डू डज डिड, ये आ गए इसके अंदर। दूसरी तरफ मॉडल्स की बात कर लेते हैं। Shall, will, can, could, may, might, should, would, must, ought to, need or dare। ये जो need और जो dare जो models हैं, ये models के अंदर जो मैंने एक बात लिखी है कि models can't be used as main verb, ये दोनों word इसका अपवाद है। मैं वापस समझाता हूं। मैंने क्या कहा, verb में helping verb होती है, main verb होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब में जो प्राइमरी वाला पार्ट है, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, उनको मेन वर्ब के रूप में भी यूज में लिया जा सकता है। मतलब देखो, डू क्या है, वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन डू का अर्थ करना भी होता है, वहां पे वो क्या हो जाती है, मेन वर्ब हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हेल्पिंग वर्ब में जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, उसको आप यूज कर सकते हो मेन वर्ब के रूप में, लेक्सिकल वर्ब के रूप में। दूसरी तरफ मॉडल्स जो हैं, उनको आप यूज नहीं कर सकते मेन वर्ब की तरह, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, इसका भी अपवाद है कि जो मॉडल्स हैं उनके अंदर ये जो नीड और जो डेयर है, ये ऐसा मान लो विभीषण जैसे हैं, अलग, डिफरेंट, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब होते हुए भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर लेते हैं, और कभी कभी इनका मन चले तो फिर ये मेन वर्ब का काम भी कर लेते हैं। तो ये अपने को समझ में आ गया होगा। ये पार्ट क्लियर होने के बाद में सेकंड पार्ट, लेक्सिकल वर्ब। इसमें एक्शन होती है, एक्शन दो प्रकार की हो सकती है, फिजिकल एक्शन हो सकती है, मेंटल एक्शन हो सकती है। फिजिकल एक्शन में कैसे आता है, क्या होता है, वॉक, चलना, हम अपनी बॉडी यूज करते हैं, चलने में बॉडी यूज करते हैं। टीच, मैं पढ़ा रहा हूं, मुंह भी चल रहा है, मेरी बॉडी भी मूव हो रही है, और इसके अलावा हाथ वगैरह भी चल रहे हैं, पैर भी चल रहे हैं। कहने का मतलब ये भी जो वर्ब है, ये भी एक फिजिकल एक्शन है। लेकिन मैं अगर कहूं, इसको तो मैं लिख देता हूं, लेकिन अगर मैं कहूं गैस, अनुमान लगाना, तो अनुमान लगाने के लिए बॉडी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिजिकल एक्शन नहीं है ये, इसके लिए अपने माइंड की जरूरत पड़ती है गेस करने के लिए। लाइक, पसंद करना, ये भी मेंटल एक्शन है। आई होप अब आपको वर्ब का ये जो सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन है, ये समझ में आ गया होगा कि वर्ब्स को अगर आप फंक्शन के आधार पर बांटो,
जो वो काम करता है वाक्य में, जो वर्ब जो वाक्य में काम करता है अगर उसके हिसाब से बांटो तो वर्ब दो प्रकार की हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी एंड लेक्सिकल। ऑक्सिलरी में दो प्रकार की, प्राइमरी, प्राइमरी में टू डू के रूप आते हैं, टू बी के रूप आते हैं, टू हैव के रूप आते हैं। और जो मॉडल्स हैं वो आप जानते हो, 12, 13, 14 जो भी मॉडल्स होते हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं। मेन वर्ब जो होती है उसमें दो प्रकार के एक्शन हो सकती है, फिजिकल एक्शन हो सकती है, मेंटल एक्शन हो सकती है। फिजिकल एक्शन वो जिसमें अपन अपने बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स काम में लेते हैं, और मेंटल एक्शंस वो जिनमें अपन को एटलीस्ट फिजिकल जो बाहरी आउटसाइड जो बॉडी है उसका यूज करना नहीं पड़ता। आई होप आपको ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्लासिफिकेशन वर्ब का, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इसको सिंपल शब्दों में ऐसे समझें कि वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट है नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो कितने हैं। ये कितने में जोर लगा के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वाक्य है, उस वाक्य में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तीनों स्थितियां पॉसिबल है। और ये जो तीनों स्थितियां हैं इसके आधार पर वर्ब को तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर इस बेस पे अगर अपन बांटें तो वर्ब तीन प्रकार की हो जाएगी। इंट्रांसिटिव, ट्रांजिटिव डाइट्रांजिटिव। एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और एक डाइट्रांजिटिव वर्ब है। हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा, इसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं, सॉरी इसको तो अकर्मक क्रिया बोलते हैं, इसको सकर्मक बोलते हैं, और इसको द्विकर्मक बोलते हैं। अकर्मक का मतलब हुआ जिसमें कर्म ना हो। अभी कर्म क्या होता है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, कर्म का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसी वर्ब जिसको कोई ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं करता हो, ऐसी वर्ब जिसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट ना आए, अगर ऐसी कोई वर्ब है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरी वर्ब है ट्रांजिटिव, मतलब ऐसी वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन एक ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट होगा वाक्य में, ऑब्जेक्ट होगा लेकिन एक ही वर्ब के बाद में आएगा वो, तो वहां पे उस वर्ब को कहा जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक वर्ब, सकर्मक क्रिया। तीसरी डाई ट्रांजिटिव, डाई रिफ्लेक्ट करता है, डाई शो करता है दो को, डाई का मतलब हुआ दो, तो डाई ट्रांजिटिव मतलब जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो, अगर दो ऑब्जेक्ट है तो ऐसी वर्ब को डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा। कई जगह अंग्रेजी में केवल इन दो ही प्रकार की वर्ब का जिक्र किया हुआ है कि एक इंट्रांजिटिव होती है, एक ट्रांजिटिव होती है, उसको मैं गलत नहीं कहूंगा, हम तो बस क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब में से कुछ हिस्सा हमने और अलग कर दिया, उसको डाई ट्रांजिटिव नाम दे दिया कि भाई ऑब्जेक्ट भी वाक्य में है तो वो दो प्रकार के दो तरीके से आ सकता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसको अपन ट्रांजिटिव में ले लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट है तो उसको डाइट्रांसिटिव में ले लेते हैं। अब ध्यान रखिएगा ज्यादातर जो वर्ब है वो ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली दोनों तरीके से काम में आ सकती है। एग्जांपल से समझाता हूं,
आई बिकेम एंग्री, मुझे गुस्सा आ गया, मैं गुस्सा हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पे ये जो बिकेम वर्ड है जो कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द बिकम, ये जो बिकेम वर्ड है इसको किसी ऑब्जेक्ट ने फॉलो नहीं किया, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो यहां पे ये जो बिकेम वर्ड है ये इंट्रांजिटिव वर्ब को शो करता है। ठीक है, राम किल्ड, राम ने मार दिया, राम ने मारा, इसमें जो वर्ब है किल इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, यहां पे ये किल वर्ब इंट्रांजिटिव है, यहां पे ये किल वर्ब इंट्रांजिटिव है। दोनों ही अभी दो सेंटेंस लिखे हैं, इसमें जो वर्ब मैंने यूज की है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उनको किसी ऑब्जेक्ट ने फॉलो नहीं किया। इस सेंटेंस की बजाय अगर मैं लिखूं राम किल रावण, तो अब की बार किसको मारा? रावण को मारा, ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो अब की बार ये जो किल वर्ब है ये किल वर्ब ट्रांजिटिव है। अभी भी मैंने इसको ट्रांजिटिव कहा है, डाई ट्रांजिटिव नहीं कहा है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट है रावण। ठीक है, एक और सेंटेंस देखता हूं, आई गिफ्टेड हिम, ये जो सेंटेंस है इसमें एक ऑब्जेक्ट है हिम, मैंने उसे गिफ्ट दिया, मैंने किसे गिफ्ट दिया, उसे, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, मतलब यहां पे ये जो गिफ्ट वर्ड है, ये जो वर्ब आई है ये ट्रांजिटिव हो गई। इस सेंटेंस को एक्सटेंड करता हूं, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं मैं इसको, मैं इसको लिख देता हूं आई गिफ्टेड हिम अ वॉच, आई गिफ्टेड हिम अ वॉच, मैंने उसे एक घड़ी गिफ्ट की। अब ध्यान से सुनना, अब की बार दो ऑब्जेक्ट हो गए हैं, किसे दी, उसे दी, एक ऑब्जेक्ट तो ये रहा, क्या दी, घड़ी दी, वॉच ये रहा, दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो अब की बार ये जो वर्ब गिफ्ट है वो गिफ्ट यहां पे डाई ट्रांजिटिव हो गई, समझ में आ गई बात, इंट्रांजिटिव Not followed by any object. Followed by one object. Followed by double object. ऐसी वो जिसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हो इंट्रांजिटिव है, ऐसी वर्ब जिसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आया हो वो ट्रांजिटिव हो गई, और ऐसी वर्ब जिसके बाद में दो ऑब्जेक्ट आए हो वो हो गई डाई ट्रांजिटिव। तो ये वर्ब का विश्लेषण है, ये एनालिसिस है वर्ब का, ये क्लासिफिकेशन है, किस बेस पे है, ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस के बेस पे, ये अपने को समझ में आनी चाहिए। तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन अपने वर्ब के पढ़े, यहां तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब जो होने वाला है ये बहुत ही, मतलब ऐसा समझो कि इसको समझने के लिए अपने को 100% एक्टिव एंड अलर्ट रहना पड़ेगा, इसके बारे में कोई चीज भी अपने को मिस नहीं करनी होगी, पॉइंट टू पॉइंट इसको अगर आप समझोगे तो ही समझ में आएगा, और इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में ही पढ़ाऊंगा क्योंकि इनको मुझे डिटेल में अलग से पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल मैं क्योंकि वर्ब पढ़ा रहा हूं और ये भी पार्ट ऑफ वर्ब ही है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हम चौथे प्रकार की क्लासिफिकेशन पर चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन,
फंक्शन के आधार पे अपन ने दो प्रकार से बांट दी वर्ब को, ऑक्सिलरी में बांट दी, लेक्सिकल में बांट दी। अब मैं कुछ वर्ब ऐसे बताने जा रहा हूँ, वर्ब्स के कुछ ऐसे टाइप बताने जा रहा हूँ जो वाक्य में स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, स्पेसिफिक कार्य करते हैं, और इस वजह से इनको अलग से पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। तो इस तरह की तीन वर्ब मेनली यूज की जाती है। नंबर वन कोजेटिव वर्ब, नंबर टू इनक्वेटिव वर्ब एंड नंबर थ्री लिंकिंग वर्ब। ठीक है, कोजेटिव वर्ब में क्या होता है, इसमें जैसे कोई कार्य ऐसा है जिसको अपन एक तरफ से देखें तो हमें लग रहा है कि ये व्यक्ति इस कार्य को कर रहा है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट वे में देखो तो जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उस व्यक्ति से वो कार्य करवाया जा रहा है। और जब भी ये बात करवाया जाने की बात आए, कार्य करवाया जाने की बात आए, तो इसका मतलब हुआ कि वहां पे कोई एक दूसरा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है। और ऐसी जो वर्ब होती है, ऐसे काम को शो करने वाली वर्ब होती है, वो कोजेटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, इसमें मेनली आती है एक तो अपने लेट, सेकंड आती है गेट, थर्ड आती है हैव, और चौथी आती है मेक। ठीक है, ये जो चार वर्ब्स है, ये मेन जो पॉजिटिव वर्ब है वो है। इन वर्ब को जब किसी वाक्य में पॉजिटिव सेंस में काम में लिया जाएगा तो उससे अपने को पता चलेगा कि काम करने वाला कोई और है और इनडायरेक्टली उस काम को करवाने वाला कोई और है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं, एक सिंपल सेंटेंस समझाता हूं, मैंने एक लड़के से जूते पॉलिश करवाए। ठीक है, इसमें वर्ब आ रही है पॉलिश करना, ये तो इस वाक्य की मेन वर्ब है, ये तो मेन एक्शन जो अपने को डायरेक्टली दिख रहा है वो एक्शन है। अब इसमें आप नोट करोगे कि पॉलिश करने की जो वर्ब है, जो पॉलिश करने की जो क्रिया है, उसको एक लड़का कर रहा है। ये तो इसको अपने अपने को पता चल रहा है कि वो डायरेक्ट सब्जेक्ट है जो अपने को दिखाई दे रहा है कि काम कौन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो वर्ब है, ये वर्ब तो इस एक लड़के जो सब्जेक्ट है इसके लिए काम में आ रही है, लेकिन थोड़ा सा और अगर आप गौर करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक हिडन सब्जेक्ट है, एक ऐसा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है जिसकी फोर्स यहां पे काम कर रही है, और उसी वजह से ये लड़का है जूते पॉलिश कर रहा है। अब अगर इस सेंटेंस को फ्रेम करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं इस सेंटेंस के बारे में सोच लेता हूं, ए बॉय पॉलिश्ड माय शूज। मैंने एक लड़के से जूते पॉलिश करवाए, उसको अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक लड़के ने मेरे जूते पॉलिश किए, और उसकी इंग्लिश हो गई ये A boy polished my shoes। अभी मैंने को अलग कर दिया, अब उसने जूते साफ किए हैं, पॉलिश किए मेरे कहने से, तो इसका मतलब एक मेन सब्जेक्ट में और हो गया। मैंने के लिए मैं यूज करूंगा आई,
ठीक है। अब आता है कि अपन यूज कौन सी वर्ब करें, कौन सी वर्ब यूज कर सकते हैं। तो अब अपने पास वर्ब एक तो ये आ सकती है, आई मेक, मेक की यहां पे सेकंड फॉर्म में काम में ले लेता हूं, आई मेड अ बॉय पॉलिश्ड माय शूज। वेट 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 वेट, अगर ऐसा मैं करता हूं तो दो जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूं, आई मेड अ बॉय पॉलिश माय शूज, ग्रामेटिकली ये सही होगा। था क्या, लड़के ने मेरे जूते पॉलिश किए, उसको पहले मैंने अलग से लिख दिया अ बॉय पॉलिश्ड माय शूज। फिर एक जो इसके पीछे एक रीजन बन रहा है, ये जो लड़का जो एक्शन कर रहा है इसके पीछे का रीजन है मैं, मैंने लिख दिया आई। अब इन दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए मुझे एक कोजेटिव वर्ब यूज करनी पड़ेगी। एक ऑप्शन तो मेरे पास है मेक, यूज कर लेता हूं, लेकिन मेक नहीं कर सकता, मुझे मेक के बजाय मेड वर्ब यूज करनी पड़ेगी। यहां पे जो दो वर्ब आ रही है, एक तो ये पॉलिश आ रही है, ये मेन वर्ब है, और एक ये मेड आ रही है, ये यहां पर अपने काम कर रही है कोजेटिव वर्ब। ठीक है, और क्या कर सकता हूं, और मैं यूज कर सकता हूं गेट। तो ये कैसे बनेगा, अगर मुझे गेट का प्रयोग करना हो तो मैं लिखूंगा आई गॉट, ठीक है। फिर मुझे यूज करना पड़ेगा माय शूज, आई गॉट माय शूज पॉलिश्ड बाय अ बॉय, आई गॉट माय शूज पॉलिश्ड बाय अ बॉय। तो ध्यान से देखो, जब मैंने गेट नाम की पॉजिटिव वर्ब यूज की तो मैंने गेट के बाद में मैंने ऑब्जेक्ट काम में लिया है, पैसिव सेंस में इस सेंटेंस को बनाया है मैंने। जब मैंने मेक वर्ब काम में ली थी तो मैंने एक्टिव सेंस में इस सेंटेंस को बनाया था, तो मैंने क्या लिखा, आई मेट अ बॉय पॉलिश माय शूज। हमारा उद्देश्य यहां पर सेंटेंस फ्रेम करना नहीं है, हमारा उद्देश्य यहां पर यह समझना है कि कोजेटिव वर्ब होती क्या है और किस प्रकार सेंटेंस के अंदर फंक्शन करती है, क्या स्पेसिफिक फंक्शन है, इनको अलग क्यों किया गया। तो भाई इसका काम ही अलग है, अगर ये गेट एक सिंपल लेक्सिकल वर्ब होती, आई गॉट दैट, मुझे वो चीज समझ में आ गई या मुझे वो चीज प्राप्त हो गई। यहां पे गॉट एक नॉर्मल लेक्सिकल वर्ब थी, मैंने इसमें इसको मुझे इसमें इसका कोई स्पेसिफिक गुण नहीं दिखाई दिया, लेकिन इसी गेट को मैं अगर इस सेंटेंस में यूज करता हूं तो ये रात दिन का अंतर पैदा कर देता है सेंटेंस के अंदर। इसमें एक फोर्स नजर आती है सेंटेंस में कि काम करने वाला काम कर रहा है लेकिन उसके पीछे एक और सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, और इसी वजह से इन वर्ब्स को कोजेटिव वर्ब कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको अपना मेन इरादा यहाँ पे, अपना मेन पर्पस यहाँ पे है ये समझ लेना कि कोजेटिव वर्ब होती क्या है, सेंटेंस में कैसे यूज करना है, सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है, तो इसके लिए अपन को अलग से एक और जरूरत पड़ेगी लेक्चर की, जिसमें मुझे ये तीनों वर्ब एक बार फिर से समझानी पड़ेगी कि कोजेटिव वर्ब क्या होती है, इनकोजेटिव क्या होती है, इनसे सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं। तो ये तो बात हुई कोजेटिव वर्ब की, उसके बाद में नेक्स्ट आता है इनकोएटिव वर्ब। तो इनकोएटिव वर्ब की भी अपन बात कर लेते हैं। इनकोएटिव वर्ब को इंसेप्टिव वर्ब भी कहा जाता है। इसको इंसेप्टिव वर्ब भी कहा जाता है। इसको एंटी कोजेटिव वर्ब भी कहा जाता है। एंटी कोजेटिव का मतलब है ये कोजेटिव का उल्टा होगा। कोजेटिव में तो क्या होता है, कोई काम कर रहा है उसके पीछे कोई एक और फोर्स काम कर रही होती है जो उसे काम करवा रही होती है। यहां उल्टा है, यहां कोई काम करने वाला ही नहीं है, यहां कोई काम करने वाला ही नहीं है।
देखते हैं किस प्रकार की वर्ब होती है। पहले इसमें देखते हैं इसमें मेनली कौन सी वर्ब आती है। इसमें एक तो आती है बिकम, एक आती है ग्रो, एक आती है टर्न, और एक ये गेट जो वर्ड है ना, ये जो वर्ब है ये भी इसमें वापस आती है। ये मेनली चार प्रकार की ये जो वर्ब है इनको एटी में सम्मिलित की जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये इसमें ही लिमिटेड है, चार ही होती है और भी हो सकती है। फिलहाल मैं इन चार के बारे में बता रहा हूं। कहते किसको है इनकोएटिव वर्ब? इनकोएटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो शो करती है किसी प्रोसेस की बिगिनिंग की, किसी स्थिति में बदलने की। ऐसी वर्ब जो चेंज ऑफ स्टेट शो करती है, प्रोसेस ऑफ बिगिनिंग एंड बिकमिंग, इसकी परिभाषा भी यही है। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाता हूं मैं आपको। दिन था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, एक बच्चा घर जाने लगता है, दूसरे पूछते हैं घर क्यों जा रहा है भाई, वो बोलता है अंधेरा हो गया है या अंधेरा हो रहा है। इस सेंटेंस पे आप ये छोटी सी जो मैंने बात बोली है अंधेरा हो रहा है या अंधेरा हो गया है, इस इतनी सी बात को अगर आप नोट कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि इनकोएटिव वर्ब क्या होती है। दिन था, उजाला था, लाइट थी, प्रकाश था, अंधेरे में गया, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, इट्स ए चेंज ऑफ स्टेट। ये एक स्थिति में बदलाव है, ये एक चेंज ऑफ स्टेट है, स्थिति में बदलाव है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर दही खट्टा हो गया है। दही खट्टा होता है क्या? दूध भी खट्टा होता है। दूध फट गया है, ये भी चेंज ऑफ स्टेट है। ठीक है, वह अब बूढ़ा हो गया है, चेंज ऑफ स्टेट है। किसी चीज की बिगिनिंग है या बिकमिंग है, किसी चीज के होने की शुरुआत भी हो सकती है। दूध खट्टा हो रहा है, दूध खराब हो रहा है, फल पक गए हैं, ठीक, ये सब चेंज ऑफ स्टेट है, स्थितियों का बदलना है, बिकमिंग है या बिगिनिंग है, किसी चीज की शुरुआत है या किसी चीज का किसी चीज में बदलना, बिकम होना। ये जो वर्ब होती है वो इनकोएटिव वर्ब कहलाती है। इसमें बिकम, ग्रो, टर्न, गेट, ये तीन चार प्रकार की वर्ब आ जाती है। इसके अलावा आप अपने सामने एक और वर्ब बचती है, वो है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? एक सेंटेंस से समझते हैं। राम इज अ गुड बॉय। टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये किसी भी टेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। 12 जो टेंस है उन 12 टेंस में से किसी भी टेंस की कैटेगरी में नहीं आता है ये सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें इज तो है, लेकिन इज जो कि फॉलो होनी चाहिए वी फर्स्ट प्लस आईएनसी, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल से फॉलो होनी चाहिए, इज के बाद में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल आना चाहिए वो इसमें है नहीं, तो टेंस का वाक्य ये एक तरीके से नहीं है। इस इज को अपन किस प्रकार की वर्ब में काम में ले सकते हैं? तो याद रखिएगा, जब भी कोई सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, अब ये कॉम्प्लीमेंट और कौन से टर्म है, कॉम्प्लीमेंट और क्या है? कॉम्प्लीमेंट वाक्य का वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करता है, जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन
करता देता है जो सब्जेक्ट को पूरा करता है। राम है, राम के बारे में कुछ ऐड किया जा रहा है, राम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया जा रहा है कि राम इज ए गुड बॉय। जब सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को कोई जोड़े तो ऐसी वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी वर्ब आ सकती है इसमें लिंकिंग वर्ब में? भाई एक तो सीधी सी बात है, इज आर एम आ सकता है। ठीक है, दूसरा इसमें भाई वॉज वर्ब आ सकता है। ठीक है, इसमें हैज एम हैड आ सकता है। मेनली तो ये लिंकिंग वर्ब होती है। आई हैव अ पेन, दो तरीके से सोचो इसको। टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो इस हैव को आप हेल्पिंग वर्ब नहीं मान सकते, इसको आपको वर्ब मानना पड़ेगा। अगर इसको हेल्पिंग वर्ब मानते हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, जो इसमें नहीं है। तो यहां पे जो ये हैव वर्ड है, ये इस आई को अ पेन से लिंक करता है, जोड़ता है, इस वजह से ये एक लिंकिंग वर्ब होती है। यही एग्जांपल नहीं है, इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। अपीयर हो सकता है, सीम हो सकता है, ऐसे वर्ड भी लिंकिंग वर्ब के अंदर आते हैं। फील भी हो सकता है, आई फेल्ट हैप्पी। फेल्ट को आई है, आई का कॉम्प्लीमेंट है हैप्पी, उन दोनों को जोड़ने वाला वर्ड है यह फेल्ट, ये फील। इस वर्ड को भी, इसको भी अपन लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई। स्पेसिफिक फंक्शन के आधार पे वर्ब को तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं, कॉजेटिव वर्ब, इनकॉजेटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। कॉजेटिव वर्ब में तो क्या होता है, एक डायरेक्ट दिखने वाला सब्जेक्ट होता है और उसके पीछे एक फोर्स एक दूसरे सब्जेक्ट की काम करती है, वो वहां पे उस दूसरे सब्जेक्ट और पहले सब्जेक्ट या पहले सब्जेक्ट के साथ में जो क्रिया आ रही है उनको कनेक्ट करने वाली जो वर्ब होगी वो कॉजेटिव वर्ब होगी। इधर इनकॉजेटिव वर्ब की बात करें तो ये कॉजेटिव वर्ब की उल्टी है, उसमें एक तरीके से डबल सब्जेक्ट काम करते हैं, डबल फोर्स काम करती है। इसमें क्या होता है कि इसमें करना कुछ नहीं होता, ये चेंज ऑफ स्टेट होती है, स्थिति में बदलाव होता है, किसी चीज के होने की या बदलने की शुरुआत होती है, ये बदलाव को शो करता है, ऐसी वर्ब इनकॉजेटिव वर्ब होती है। और लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, किस लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो चौथे प्रकार का क्लासिफिकेशन है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हम अपने लास्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाने के बाद में हम डिटेल्ड रूप से वर्ब पढ़ चुके होंगे कि कितने प्रकार की वर्ब्स होती हैं, इससे बाहर कुछ नहीं रहता। ये लास्ट क्लासिफिकेशन है, इसको भी ध्यान से समझना जरूरी है और बहुत ही काम की चीज है। देख लेते हैं अपन। मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी देखो कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनको हम कंटिन्यूअस सेंस में काम में ले सकते हैं, कंटिन्यूअस रूप में काम में ले सकते हैं। आई रन, मैं भागता हूं, दौड़ता हूं। आई एम रनिंग, मैं भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं। यहां जो रन वर्ब है वो गति शो कर रहा है, वो वेरिएबिलिटी शो कर रहा है, वो एक फिक्स रुकी हुई वर्ब को, कोई एक स्थिति में आई हुई वर्ब को शो नहीं कर रहा है, मोशन शो कर रहा है, गति शो कर रहा है। एक तो ये एग्जांपल हो गया, यहां मैंने रन का रनिंग बना दिया, मैं रन को आईएनजी जोड़ के काम में ले सकता हूं। ठीक है, दूसरी तरफ मैं एक वर्ब और काम में लेता हूं, लाइक। सपोज करो लाइक वर्ड है, लाइक का मतलब होता है पसंद,
आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं, ठीक है। यहां मैंने ठीक है लाइक से सेंटेंस बन गया, क्रिया शो कर रहा है। अब मैं इसके साथ आई एन जी जोड़ के अगर मैं काम में लेना चाहूं और मैं बोलूं आई एम लाइकिंग हिम, ये प्रैक्टिकली हर तरीके से ये गलत है। आई एम लाइकिंग हिम नहीं हो सकता, क्योंकि लाइक एक ऐसी वर्ब है जो कंटिन्यूअस फॉर्म में काम में नहीं ली जा नहीं ली जा सकती। तो कोई वर्ब कंटिन्यूअस फॉर्म में काम में ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती है, इस बेस पे वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। भाई काम में ली जा सकती है, इसका मतलब वो वेरिएबल है, आई एन जी के साथ काम में ली जा सकती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में काम में ली जा सकती है, तो उसका मतलब हुआ कि वो वर्ब वेरिएबल है। और अगर उस वर्ब को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ काम में नहीं ले सकते, आई एन जी जोड़ के काम में नहीं ले सकते, तो इसका मतलब हुआ कि वो वर्ब वेरिएबल नहीं है, वो इनवेरिएबल है। तो इस आधार पे अपन दो भागों में, वेरिएबिलिटी के आधार पे वर्ब को दो भागों में अपन बांट देते हैं। कौन कौन से दो भाग हो गए? नंबर एक डायनेमिक वर्ब, नंबर दो स्टेटिव वर्ब, ठीक है। ये गतिशील क्रिया को शो करता है, ये स्थिर क्रिया को शो करता है, क्लियर। अब अगर हमने स्टेटिव वर्ब को समझ लिया ना, तो बाकी सारी वैसे भी डायनेमिक में आती है। और अंग्रेजी के अंदर जो वर्ब्स है ज्यादातर वर्ब डायनेमिक ही है, अंग्रेजी में जो वर्ब्स है वो ज्यादातर वर्ब डायनेमिक ही है। कुछ एक वर्ब है जो स्टेटिव वर्ब है, और उन स्टेटिव वर्ब में भी कुछ एक वर्ब ऐसी है जिनको डायनेमिक रूप में भी काम में लिया जा सकता है। एक एक बात कर लेते हैं अपन, पहले डायनेमिक सॉरी स्टेटिव पढ़ते हैं। स्टेटिव में कौन सी आती है? तो देखो इसमें एक तो वर्ब्स ऑफ पोजेशन आती है, दूसरी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन आती है। क्या होती है अभी बताता हूं। एक इसमें वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस आती है, ये तीन प्रकार की मेन है, ठीक है। पजेशन में देखो कुछ इस प्रकार की क्रियाएं काम आती है, ऑन, हैव, पजेस, ठीक है। परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है फील करना, फीलिंग वाली वर्ब, फीलिंग वाली वर्ब कैसे होगी? लाइक, लव, ठीक है। एक और लिख देता हूं, वर्ब्स ऑफ सेलेक्शन, वर्ब्स ऑफ सेलेक्शन इसमें क्या आ सकती है? देखो पहले वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस की बात कर लेते हैं, इसमें आ गई लुक, सीम, अपीयर, डिसअपीयर, ये आ सकती है। वर्ब्स ऑफ सेलेक्शन, सेलेक्शन की भी वर्ब आ सकती है, सेलेक्ट, रिजेक्ट, चूज, ये हो सकती है। और कुछ अदर वर्ब्स भी हो सकती है, जैसे डिजायर, डिजर्व, गेस, इनको आप परसेप्शन में भी काम में ले सकते हो, उधर भी ये आ सकता है। देखो अब इनमें मैं समझाना ये चाहता हूं कि ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है इनको आईएनजी जोड़ के नॉर्मली काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इनको आईएनजी जोड़ के काम में नहीं लिया जा सकता, इसलिए ये हो गई स्टेटिव वर्ब। देखो जैसे ये है पजेस, तो पजेस का मतलब होता है किसी चीज पे अधिकार रखना, ठीक है। मेरे पास एक घर पे अधिकार है, मेरा एक घर है, तो मैं कह सकता हूं आई पजेस ए हाउस, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आई एम पजेजिंग अ हाउस, वो गलत होता है।
वर्ब ऑफ परसेप्शन लाइक का मैंने आपको उदाहरण बताया था, वर्ब ऑफ अपीयरेंस जो बाहर से दिखना होता है, दिखावा होता है, उसके आधार पे वर्ब लुक, सीम, अपीयर, डिसअपीयर, ये भी वर्ब है, ये आईएनजी के रूप में काम में नहीं आ सकती। वर्ब ऑफ सिलेक्शन सेलेक्ट, रिजेक्ट, चूज, इनके साथ भी नॉर्मली आईएनजी काम में नहीं लिया जाता, और जहां इनके साथ आईएनजी काम में नहीं लिया जाता वहां भी स्टेटिव वर्ब कहलाती है। और अदर में आगे डिजायर, डिजायर का मतलब होता है इच्छा करना, ठीक है। मैं कहता हूं मुझे एक फरारी कार की इच्छा है, ठीक है, मैं कह सकता हूं आई विश, मैंने इसमें विश नहीं लिखा ना, विश भी लिख सकता हूं मैं, आई विश टू हैव अ फरारी, आई विश टू हैव अ फरारी, मैंने ऐसे लिख दिया। लेकिन मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मैं एक फरारी कार की इच्छा कर रहा हूं, आई एम विशिंग टू हैव अ फरारी, वो प्रैक्टिकली गलत है, ग्रामेटिकली भी गलत है, क्योंकि ये जो वर्ब है, ये जो पजेशन की वर्ब है, ये जो परसेप्शन की वर्ब है, अपीयरेंस की वर्ब है, इन ज्यादातर वर्ब्स को अपन आईएनजी फॉर्म में काम में नहीं ले सकते, ठीक है। स्टेटिव वर्ब अगर आपको समझ में आ गई हो तो डायनेमिक इनको छोड़ के बाकी सारे डायनेमिक है, वर्ब्स विच आर नॉट स्टेटिव, ऐसी वर्ब जो स्टेटिव नहीं है, स्टेटिव आईएनजी के साथ काम में नहीं लिया जा सकता, इसमें आईएनजी जोड़ के काम में लिया जा सकता है। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ वेरिएबिलिटी के आधार पे, कि जो वर्ब होती है अगर वो गति को शो करती है, वेरिएबिलिटी को शो करती है, तो वो डायनेमिक वर्ब होगी, मतलब उसके साथ आईएनजी फॉर्म में उस वर्ब को काम में लिया जा सकता है, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में काम में लिया जा सकता है, और अगर उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता तो वो वर्ब कौन सी हो गई, स्टेटिव वर्ब। तो इस तरीके से अपन ने आज पढ़ा है ये वर्ब टॉपिक, इस वर्ब टॉपिक में अपन ने पढ़ा कि वर्ब क्या होती है, ये एक्शन होती है, अकरेंस होती है, स्टेट ऑफ बीइंग होती है, ये बात अपने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ी थी। फिर अपने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा कि वर्ब को कितने प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, तो वर्ब को क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है, ऑब्जेक्ट की उपस्थिति के आधार पे करोगे तो ट्रांजिटिव होगी, इंट्रांजिटिव होगी, डाइट्रांजिटिव होगी, फंक्शन के आधार पे करोगे तो ऑक्सिलरी होगी, लेक्सिकल होगी, अगर आप वेरिएबिलिटी के आधार पे करोगे तो डायनेमिक वर्ब होगी, स्टैटिक वर्ब होगी। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपको कि अभी एक इसका जो बाइफर्केशन है, जो इसका क्लासिफिकेशन है और पेंडिंग है, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, उसका मैं एक अलग से उसकी क्लास दूंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका एक अलग से अपना लेक्चर होगा, क्योंकि उसमें कुछ छोटे छोटे तीन चार और पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे और तीन चार टॉपिक्स हैं, वो अलग से पढ़ना ही जरूरी है, इसलिए उनको मैंने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस टॉपिक वर्ब के साथ में नहीं पढ़ाया है। तो मुझे आज पूरी उम्मीद है कि ये जो मैंने डिटेल में आपको जो वर्ब पढ़ाई है वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आई होगी, और इसी के साथ अपना ये आज का जो वर्ब टॉपिक है वो क्लियर होता है। इसी प्रकार के टॉपिक्स को और अच्छे से जानने के लिए मैं आपको ऐसे टॉपिक्स पढ़ाता रहूँगा, मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। आपको क्या करना है, आपको बस ट्यून्ड रहना है हमारे इस चैनल से जिसका नाम है द ब्रिलियंट अकेडमी यूनिक एजुकेशन। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ अलविदा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।